हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वॉचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी करण कुंद्रा साहब जो हैं, उनका एक न्यू शो आ रहा है कलर्स टीवी पे, जिसका टाइटल कुछ ऐसे है। क्या टाइटल है भाई? इश्क में घायल। आप सुना सुना नाम लग रहा है, क्योंकि हम मुझे लगता है मैंने देखा है ये। ठीक है, प्रोमो की रिक्वेस्ट आई हुई थी हमें, और हम क्योंकि ठहरे बिग बॉस के फ़ैन, तो ब्रेक में मुझे लगता है ये आता है, इसका प्रोमो आता है। लेकिन हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। व्लॉग नंबर 36। ये वही है भाई। आज का दिन अच्छा होगा, नहीं पड़ेगा नहीं आज पड़ेगा। मेरे चेहरे पर खुशी भी होगी, एंट्री होगी, वो सच्ची होगी। हेलो ब्रदर। आज मुझे मेरा इश्क मिलेगा, कैसी होगी वो? मैं जानता हूँ इस इश्क में कितना खतरा है। हेलो ब्रदर, सरप्राइज। मुझे याद हो गया भाई, इश्क की कहानी है। मुझे तो आना ही था। मुझे तो आना ही था। हाय अमीशा। अरमान। मैं वीर। अरमान का छोटा भाई। अरमान का छोटा भाई। चलती फिरती मिस्ट्री हो तुम, कभी भी अचानक से सामने आ जाते हो, कभी भी अचानक से गायब हो जाते हो। शायद तुम्हारी ये मिस्ट्री तुम्हारी खासियत है, लेकिन डर भी लगता है, क्योंकि अक्सर मिस्ट्री के साथ कहीं राज भी छुपे होते हैं। तुम एग्जैक्टली कितने साल के हो? 122। तुम हो कौन? हेलो ब्रदर। कुछ तो है हम दोनों के बीच, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्टोरी में बहुत सारे ओपिनियन है मेरे, जरा एंड हो जाइए। आई लव यू, यही है मेरी दुनिया, सीक्रेट्स, रहस्य और रोमांस से भरी हुई। इश्क में घायल। इश्क में घायल। बहुत जल्द कलर्स पर। ओके, मेरे ख्याल में जब बिग बॉस एंड होगा तो उसकी स्लॉट में इश्क में घायल आया करेगा। लेकिन इस प्रोमो को देख के ना, जो फर्स्ट मेरा रिएक्शन था, मुझे ट्वाइलाइट फिल्म याद आ गई। मतलब यार, उसमें भी बेला होती थी और एक जो थे वैम्पायर भाई थे, और एक जो थे वो वेयरवुल्फ खानदान था, और एक ही बंदी के पीछे थे दोनों। और इवेंचुअली बेला जो थी वैम्पायर फैमिली में गई थी। लेकिन यहाँ पे ज़रा ट्विस्ट है, यहाँ पे दोनों वुल्वरीन ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, बीच में बॉलीवुड का तड़का है। और इस तरह की एक फिल्म भी थी शायद बॉलीवुड की, शायद, मतलब दो भाई थे और एक ही वो थी मिस्ट्री, आई डोंट नो नाम क्या था। लेकिन इंटरेस्टिंग है, ऑल दो देर इज़ अ सिमिलैरिटी विद ट्राई सीरीज़ ऑफ ट्वाइलाइट। लेकिन क्योंकि लोकल है, मतलब हमारी लैंग्वेज सेम, काइंड ऑफ सेम लैंग्वेज है, और बीच में करण कुंद्रा, उनकी एक्टिंग, एक पैशन, थोड़ा सा ड्रामा, मिस्ट्री, तो वो सब देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। लेट्स जस्ट होप कि हमारे पास जो, अगर ये बिग बॉस वाली स्लॉट में ही आया तो फिर तो हम देख पाएंगे, अगर थोड़ा ऊपर नीचे स्लॉट हुई फिर मुश्किल है भाई, टाइम का इशू होता है। लेकिन आई कैन फील कि ये अच्छा जाएगा, इसकी रेटिंग्स अच्छी होंगी, देखने में तो ये लग रहा है प्रोमो से, और जो जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है करण पाजी की, तो अच्छा ही होना चाहिए। लेट्स जस्ट होप अच्छा ही हो, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।